न्यूमेरिकल नंबर 11, इसमें क्या दिया है, ग्लास ब्लॉक आपको दी गई है जिसमें आपको इंसिडेंट रे दिखाई गई है, ठीक है, वो पता है। ये उसने बोला है कि लिक्विड है और ये क्या है, ग्लास है, तो जब ग्लास में ऐसे उसने दिखाई गई है। देखो उसने डायग्राम में ही हमें बता दिया कि जो जो पहले लाइट जा रही थी वो यहाँ ग्लास में आके टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट की है। इसका मतलब है यहां से ही हमें पता चल गया कि ग्लास जो है वो डेंसर है, ठीक है, और लिक्विड जो है वो रेयर मीडियम है। तो फर्स्ट पॉइंट में उसने पूछा है डज द लाइट स्पीड अप और स्लोज डाउन। ऑब्वियसली अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, डाउन। तो आपने बोलना है कि इन ग्लास जो स्पीड है उसकी वो डाउन हो जाएगी, ठीक है, जब वो ग्लास में एंटर करेगी। सेकंड क्या है, गिव रीजन। इसका बी पार्ट है गिव रीजन। रीजन क्या है, रीजन तो भाई ये है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो ये तो डेंस है, ठीक है, पहले उसने यहां से डायग्राम से क्लियर होगा कि डेविएट कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये डेंस होगा। अगर ये डेंस है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, इज ग्रेटर देन लिक्विड। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो वेलोसिटी जो ग्लास में होगी वो लेस देन होगी वेलोसिटी इन लिक्विड। ये तो सीधा ही है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ 11 न्यूमेरिकल। What is the angular deviation of emergent ray from the glass block with respect to the incident ray? ठीक है बच्चे, ये होगी incident ray, ये होगी emergent ray, ठीक है। जो आपका एक तो होती है deviation, एक होती है angular deviation। फर्क क्या है दोनों में, angular deviation angle के साथ related होती है, ठीक है। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखो जब यहां से एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगी तो ये दोनों लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनता है और जो यहाँ पे इमर्जेंट एंगल बनता है वो दोनों इक्वल होते हैं। एंगल्स इक्वल है तो एंगुलर डेविएशन क्या होगी, नो एंगुलर डेविएशन, जहां आप बोल सकते हो कि उसमें एंगुलर डेविएशन जो है वो जीरो होती है, ठीक है। This is your second part. Third में उसने पूछा है, show with the help of the ray diagram the path of the ray when incident normally on the glass on the first surface of the glass block through this, ठीक है। ये तो उसने सीधे ही बोल दिया भाई, incident normally incident कर दिया, मान लो ये glass है उसने, ठीक है। Ray diagram क्या बनाई, अगर normal incidence हो रही है तो ray diagram में क्या आएगा कि भाई वो सीधा ही पास कर जाएगी, कोई बैंड नहीं आएगा। ये क्या है ग्लास आपका, ये क्या है वाटर। जब नॉर्मल इंसिडेंस होगी तो विदाउट रिफ्रैक्शन वो क्या है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई नीचे से ग्लास से भी बाहर जाएगी, ठीक है। बस ये तीसरी पार्ट थी, सीधी आपने से जस्ट रे डायग्राम बनानी है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट through the liquid to the speed through glass so that there is no refraction of light at boundaries। भाई उसने तो बोल दिया अभी यहाँ पे जो ग्लास है इसमें क्या है, जो लाइट है उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, ना तो इस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन हो रही है मतलब स्ट्रेट जा रही है, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही, स्ट्रेट ही जा रही है, ठीक है, नो बेंडिंग एट ऑल, ठीक है। तो उसने कहा है कि तो रेशियो क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन लिक्विड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी, ठीक है, अगर उसमें बेंडिंग जो है ना हो, व्हेन एक जो कलर की लाइट है, ठीक है, वो जा रही है एक ग्लास स्लैब में, उसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रही, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस है। इस केस में इसमें और इसकी वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी, अगर बच्चे रिफ्रैक्शन नहीं हो रही ना, सीधी लाइट जा रही है नो बेंडिंग, तो जो वेलोसिटी यहां पे थी ना और यहां पे थी वो दोनों इक्वली होती है, क्योंकि जो बेंडिंग है ना वो क्यों होती है, रिफ्रैक्शन का रीजन हमने पढ़ा था, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि हम बोलते थे कि वेलोसिटी जो है वो डिफरेंस होने के कारण, इस मीडियम में वेलोसिटी डिफरेंस होने के कारण बेंडिंग आती है। अगर बेंडिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है, इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम ही है, तो रेशियो क्या आएगी सीधी 1, ठीक है, सीधा ही है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ पार्ट, ठीक है, स्टेट द इक्वेशन फॉर द रेशियो, अच्छा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
ठीक है, रेशन बता रहा है हमने, फ्रीक्वेंसी को हमने अज्यूम किया एफ एंड वेवलेंथ क्या है लैम्डा। वैक्यूम के केस में वेलोसिटी को हम स्पीड ऑफ लाइट ही होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला कि वैक्यूम में इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, ये फॉर्मूला आपको सीधा लर्न करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी ये वाली ओवर लैम्डा। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट उन्होंने वैक्यूम की बात की तो तभी मैंने वी की जगह पे सी पुट कर दिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, फिफ्थ का। नाउ पार्ट नंबर जो बी है उसमें है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द लिक्विड एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्रास। हमने तो पढ़ा ही है भाई, जो रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो किसमें किससे रिलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें स्नेल्स लॉ मिला हुआ है जिसमें हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या है, स्नेल्स लॉ। तो उसने फिफ्थ पॉइंट में यही पूछा है कि जो रिलेशन बताओ मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। तो सीधा ही ये रिफ्रैक्शन का, सॉरी स्नेल्स लॉ आ रहा है सीधा ही। ठीक है, फर्दर आ गया लास्ट न्यूमेरिकल है अपना, न्यूमेरिकल नंबर 12। रीड द स्टेटमेंट। जो न्यूमेरिकल नंबर 12 में गिवन है आपको, अच्छा ये तो सीधा ही आपने वो किया था, आपने पार्ट किया था। मैं बताती हूँ आपको, 4.7 मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक ग्लास प्लेट प्लेन मिरर। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसको करने में। ठीक है, उसने बोला है ठीक बच्चे, एक तो ग्लास प्लेन सरफेस होता है ऐसा वाला, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइट आई और सीधी भाई रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट एल है, रिफ्लेक्ट नहीं है रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये जो है वो मिरर है। ठीक है, ये तो था पतला था थिन था, लेकिन इसने स्पेशल केस लिया है कि अगर हम यहाँ पे एक थिक ग्लास यूज करें, ग्लास मिरर जो है सॉरी मिरर यूज करेंगे हम थिक, तो उसमें लाइट का क्या होगा। ठीक है, इसमें हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट सोर्स था ना जिसकी लाइट आ रही थी और यहाँ पे स्ट्राइक होगी। ठीक है, सिमिलरली हालात हम यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये क्या है मिरर है ना, जो मिरर के अंदर ग्लास होता है। ठीक है, तो ग्लास क्या है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसमें रिफ्लेक्शन तो होगी, रिफ्लेक्शन से पहले ये किससे जाएगा, रिफ्रैक्शन से टूवर्ड द नॉर्मल मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे जाती होगी रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे बेंड कर गया। अब यहाँ पे जाके फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन हर पॉइंट पे जाके होगा। ओके, तो जब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखो सरफेस चेंज हो रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करूंगी मैं, नॉर्मल पे गया तो ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गया। ठीक है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी तो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन होगी, फिर वापस गया, इस पॉइंट पे आके रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन के टाइम पे वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी, रिफ्लेक्शन वाली नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे इसकी जो है वो इस साइड पे इसकी मल्टीपल इमेजेस हमें शो होंगी। अगर हम यहाँ से खड़े ऑब्जर्व कर रहे हैं ना इस पॉइंट को, मतलब मिरर में देख रहे हैं, यहाँ इसको ना देखे मिरर में उस पॉइंट को देखे, तो हमें उस पॉइंट की क्या है मल्टीपल इमेजेस, एक इमेज यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे, जैसे जैसे रिफ्रैक्शन और होती जाएंगी ना सिमिलरली काफी सारी इमेजेस हमें दिखाई देती रहेंगी नीचे नीचे। गॉट इट, तो इससे क्या है ये हमें डायग्राम बन गई, जब क्या है आपका मिरर क्या है थिक है तो उससे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इस पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, इस पॉइंट पे अकेला रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ऐसे होंगे। ठीक है, तो इससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण हमें जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिरर में उसकी मल्टीपल इमेजेस शो होंगी, इस केस में हमें एक ही इमेज शो होती है, इसमें मल्टीपल इमेजेस शो होंगी। ठीक है,
ये होगी रे डायग्राम, और उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा ब्राइट जो है इमेज कौन सी होगी, जो ब्राइटेस्ट इमेज होती है वो सेकंड वाली होती है। ये फर्स्ट इमेज बनी और ये सेकंड इमेज बनी, क्योंकि जब यहां से होता है ना रिफ्लेक्ट होता है, जब यहां से लेके यहां तक आ गया ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट पे उसकी रिफ्लेक्शन होती है ना, सॉरी तो यहां पर बन गया, जो सेकंड पॉइंट पे उसकी रिफ्लेक्शन होती है वो जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होती है, जिसके कारण जो इमेज बनती है सेकंड पॉइंट पे वो सबसे ज्यादा ब्राइट होती है। आपने बस याद रखना है कि ब्राइट, एक तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के कारण मल्टीपल इमेजेस बनती है, और जो ब्राइटेस्ट है वो जो इमेज बनेगी पॉइंट सोर्स की, जो जो मिरर के पीछे पीछे बनेगी, वो कौन सी ब्राइटेस्ट कौन सी होगी, सेकेंड वन। दिस वर योर न्यूमेरिकल, ठीक है, आपने ये रिवाइज करना।